Assalamu alaikum, my viewers, welcome to my channel. First of all, thank you so much to all of my new subscriber and thank you so much for supporting me. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लोअर बैक पेन, जो आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड 70-80% लोग जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं इस डिज़ीज़ के साथ. तो इसके लिए बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपके पेन को रिड्यूस कर सकती हैं. हर एक्सरसाइज जो होती है वो आपके पेन को रिड्यूस नहीं कर सकती है. अगर आपको स्लाइट सा पेन है उसमें आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है. वो आप जब ऐसी कंडीशन में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं खुद से ही, तो आपके पेन को एग्रीवेट कर देती है, बढ़ा देती हैं, कम नहीं करती हैं. तो हर कंडीशन में आपको इस तरह के स्ट्रेचेस की और मूव्स की ज़रूरत नहीं होती है. तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइजेज हैं बैक पेन के लिए, जो स्ट्रेंथन करती हैं आपकी बैक बोन को और स्टमक के मसल्स को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस एक्सरसाइज की बात करेंगे वो है स्क्यूजिंग शोल्डर एक्सरसाइज, जो आप सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं. सिंपली आपने शोल्डर ब्लेड्स को, दोनों को स्ट्रेच करना है बैक साइड पे, फिर उसको होल्ड करके रखना है फॉर द 5 सेकेंड्स और इस एक्सरसाइज को आपने 7 से 8 दफ़ा रिपीट करना है. इससे क्या होगा कि आपकी जो बैक बोन है, आपकी जो स्पाइन है वो मजबूत होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपके नेक के जो मसल्स हैं जो स्ट्रेच हो जाते हैं. कुछ लोगों को दर्द होती है, सो के उठते हैं ऐसी पोजीशन में लेटे हुए होते हैं, उनको दर्द होती है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपकी कमर के लिए भी. जो दूसरी एक्सरसाइज है वो कैट एंड कैमल है. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कैट एंड कैमल, कैट एंड कैमल जो है वो आपने सिंपली फ्लोर पे कैट की पोजीशन में आ जाना है, जैसे कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है, और स्ट्रेच करना है अपनी बैक को ऊपर की साइड पे, फिर उसको होल्ड करके रखना है फॉर द 5 सेकेंड्स और ये एक्सरसाइज भी आपको 7 से 8 दफ़ा रिपीट करनी है. ये क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा और स्टेबलाइज करेगा आपकी स्पाइन को. आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे ही हम पोजीशन में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बहुत ज़्यादा लोग बैठे रहते हैं, आईटी पे वर्क हो रहा होता है, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, उसकी वजह से हमारी जो बैक की पोजीशन है वो सही नहीं रहती है. तो ये एक्सरसाइज उसके लिए बहुत अच्छी है कि उसको स्ट्रेंथन कर दिया और स्टेबलाइज कर दिया हमारी बैक की स्पाइन. जो थर्ड वन है नी टू शोल्डर, नी टू शोल्डर बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है. आपने सिंपली फ्लोर पे लेट जाना है स्ट्रेट और आपने अपनी नी को स्ट्रेच करना है अपने शोल्डर की तरफ और दोनों हाथों से उसको आप स्ट्रेच करके रख सकते हैं. इसको भी होल्ड करना है फॉर द 5 सेकेंड्स और फिर उसको रिलीज़ करना है. इसी तरह से सेकेंड नी के साथ आपने करना है, उसको स्ट्रेच करके रखना है टूवर्ड द शोल्डर्स, 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और 7 से 8 दफ़ा आपने इसको रिपीट करना है. और ये जो क्रच है, ये स्ट्रेच जो होता है ये होता है फॉर द एब्डोमिनल और स्पाइंस के लिए. ये आपके पेट के मसल्स को भी स्ट्रेच करेगा, आपकी बैक को, बैक बोन को भी स्ट्रेच करेगा और आपकी स्पाइंस के लिए बहुत अच्छा. फोर्थ मंथ एंड लास्ट मंथ इज़ अ ब्रिज एक्सरसाइज. ब्रिज एक्सरसाइज जो होती है ये लोअर बैक पेन को रिड्यूस करती है और इसमें सिंपली आपने क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है अपनी बॉडी को हेड शोल्डर्स एंड फीट्स पे. और आपके जो बाजू हैं वो बिल्कुल अलॉन्गेटेड टू द हेड होने चाहिए. इस पोजीशन में आपने 5 सेकेंड होल्ड करके रखना है और 7-8 टाइम इसको भी आपने रिपीट्स करना है. ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं जो आपको वीडियो भी नज़र आ रही है. इसी तरीके से आपने स्ट्रेच करना है और ये आपकी लोअर बैक पेन को रिड्यूस करेंगी, आपके एब्डोमिनल के मसल्स को स्ट्रेच करेंगी, आपके स्पाइन को स्टेबलाइज करेंगी और हार्डली 5-10 मिनट्स में आप इसको कम्प्लीट कर देंगे. इस पर आपने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक देना है. ये बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के लिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपने बताना है कि किस तरह के इफ़ेक्ट्स आपको आ रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू सो मच, बाय बाय.